प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हितग्राहियों से किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वनिधि संवाद। भीतरवा नगर परिषद के द्वारा 25 हितग्राहियों को दिया गया स्वीकृति पत्र। भीतरवा नगर परिषद में दिखाया गया सीएम का लाइव प्रसारण। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव प्रसारण कार्यक्रम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारम्भ किया, जिसका प्रसारण भीतरवा नगर परिषद में भी LED के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा की गई। इस अवसर पर नगर परिषद CMO दिनेश कुमार सोनी एवं पूर्व पार्षद गण भी मौजूद रहे। भीतरवा नगर परिषद की ओर से स्वनिधि योजना की प्रथम किस्त 10,000 रुपये की स्वीकृति पत्र का वितरण 24 हितग्राहियों को किया गया एवं अन्य एक हितग्राही को दूसरी किस्त 20,000 का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर लाइव प्रसारण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि PM स्वनिधि योजना की राशि आगे भी छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचती रहेगी। विकास का प्रकाश गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी की है, लेकिन सबसे पीछे और सबसे गरीब व्यक्ति की सरकार सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बेहतर कार्य किया है, महिला सशक्तिकरण जरूरी है लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी कच्चे मकान में रहने वाले को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। इस अवसर पर भीतरवा नगर परिषद पार्क में कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त लाभान्वित हितग्राही जनप्रतिनिधि समाज सेवी पूर्व पार्षदगण एवं नगर परिषद का स्टाफ मौजूद रहा। भीतरवार मध्य प्रदेश से KK शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।